पन्ना जिले में डायमंड पन्ना राइस मिल एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिले के अंदर की धान को अन्य जिलों में भेजा जा रहा है। जिले के अंदर 40 से अधिक धान मिल हैं, जिनमें हजारों की संख्या में श्रमिक और व्यापारियों का करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगा है, लेकिन जिस प्रकार से जिले की धान को जिले के मिल मालिकों के साथ दुर्व्यवहार करके बाहर भेजा जा रहा है, उसे सिद्ध होता है कि इसमें बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर षड्यंत्र चल रहा है। पन्ना जिले की धान को ग्वालियर के डबरा मुरैना के मिल मालिकों को दिया जा रहा है। इस पूरे मामले में आरोप लगाते हुए डायमंड पन्ना राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि नियमानुसार धान पर अधिकार पन्ना जिले के मिल मालिकों का है और शासन के नियमानुसार पहले जिले वालों को ही धान दी जाती है और बाद में अन्य बची हुई धान किसी और जिले में भेजी जाती है, लेकिन वर्तमान वर्ष में जिले के भीतर 14 लाख क्विंटल धान की सरकार ने खरीदी की है, जबकि पन्ना जिले के मिल मालिकों को प्रतिमाह लगभग 4 लाख क्विंटल की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें ये धान उपलब्ध नहीं हो पा रही। उन्होंने कहा कि इससे इस पिछड़े जिले में जो उद्योगों की थोड़ी बहुत संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं वो कहीं ना कहीं समाप्त होती नजर आ रही हैं। भाई साहब, ये बताइए, पन्ना जिले की धान दूसरे जिलों में जा रही है, कितनी धान जा रही है और क्या कारण है इसके? भी अभी तक हमारे यहाँ से 2,38,000 क्विंटल जा चुकी है धान। ये टोटल जान जा रही है, ग्वालियर जा रही है। अब इसमें राजनीतिक चीजें हैं इन्वॉल्व हैं या कुछ उनका जो हमें मिलर है वहाँ के या वो सक्षम है? और हमारे यहाँ के जो लोकल पन्ना जिले के जितने भी हम लोगों ने अपनी आवेदन दिया कलेक्टर महोदय और अपने मंत्री जी को, आदरणीय सांसद जी को, उनके यहाँ से कोई जवाब आया भी नहीं ना, वो रोकने में लगता है सक्षम नहीं है। ये बात हम कर रहे हैं अपने पूरे मिलर एसोसिएशन के साइड से। कितनी धान का प्रोडक्शन हुआ था और कितना नुकसान है अगर ये प्रक्रिया रुकती नहीं है तो? अभी हमारे पन्ना जिले में टोटल 16 लाख क्विंटल धान हुई थी वित्तीय वर्ष में 22-23 में। अगर ये नहीं रुकती है तो ये अभी 6 लाख के तो आदेश आ चुके हैं, तो आप ये मानिए कि 7 से 8 लाख कुंटल धान ही आप चली जाएगी, मतलब अंतर्राज्यीय जिलों में चली जाएगी। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि पन्ना जिले में 25 से 30 मिले हैं जिनकी क्षमता 4 लाख कुंटल पर मंथ है और पन्ना जिले की उपार्जित धान ही 15 लाख कुंटल है, तो मतलब हम लोग की क्षमता अनुसार हम लोग 3 से 4 महीने में मिलिंग कर लेंगे। उसके बाद भी पन्ना जिले की जो धान है वो ग्वालियर, डबरा, मुरैना, चंबल संभाग को दी जा रही है। अगर जी धान ऐसे ही देते रहे तो यहाँ के मिलर, यहाँ के मजदूर सब बेरोजगार हो जाएंगे। यहाँ का जो मिलर ने करोड़ रुपए लोन ले रखा हुआ है सरकार से मशीनें लगाने के लिए, क्वालिटी के चावल पैदा करने के, बनाने के लिए, हम लोग चुकाएंगे कैसे? बैंक के हमारे मिल में तला डाल देंगे, हम लोग क्या करेंगे? हम सबके सब बेरोजगार हो जाएंगे। शासन के नियम क्या कहते हैं? शासन के नियम ये बोलते हैं जो न्यूनतम ड्यूरी में जो मिले होंगे उनको धान दी जाएगी। तो और यहाँ पे जो परिस्थितियाँ, दो कंडीशन होती हैं, न्यूनतम दूरी में धान मिलों को धान दी जाएगी, दूसरी बात अगर अतिशेष धान है तब कहीं जाके दूसरे जिलों में धान दी जाएगी। अभी कंडीशन ये है कि न्यूनतम दूरी में मिलों को तो धान दी जा रही है, 300-350 किलोमीटर जो दूर मिले हैं, डबरा में है, दतिया में है, ग्वालियर में, उन मिलों को भी धान दी जा रही है। नहीं सर, ऐसा कोई मामला नहीं है आपको, मतलब मैं बता दूं, ये अभी अपने यहाँ जितनी मिले हैं अभी उनमें क्या है कि अभी ये करीब 2 महीने पहले ही अभी शॉर्टेक्स और वगैरह और ब्लेंडिंग मशीन की कार्रवाई हुई है संपन्न, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुरू से ही पिछले साल से ही ये मंतव्य था और उन्होंने कहा पहले से उनके पत्र जारी हो गए थे, उनका आदेश भी था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि इस बार से जो 22-23 में वो अपने को 45 चावल ही पीडीएस सार्वजनिक प्रणाली के अंतर्गत बटेगा, तो चूंकि इन्होंने थोड़ा सा अपना विलम्ब हो गया था और थोड़े चूंकि प्रोसेसिंग में 1-2 महीने की देर थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जरूरत थी दूसरे जिलों में जहाँ पर चावल का उत्पादन नहीं होता है वहाँ की जरूरत थी, तो उन्होंने उसके आधार पर सर शासन के ऐसे नियम है कि अगर अपने जिले से अतिशेष जो धान होती है वो बाहर भेजी जाती है, लेकिन यहाँ पर तो अतिशेष थी नहीं फिर भी धान बाहर भेजी गई। नहीं, वो तो कहता है कि शासन के नियम रहते हैं वो, क्या जैसे कई बार क्या है जिन जिलों जो में गेहूँ नहीं रहता है और जहाँ पर गेहूँ भरता होता है तो ओपन रेक के माध्यम से भेजते हैं, ऐसे ही चावल का भी रहता है। चावल हर तो सब जगह नहीं होता है एमपी के कुछ ही बहुत, मतलब इस समस्या का हल क्या है, जो मिलरों की जो समस्या है क्या हल है? इस समस्या का हल ये अब चूंकि अपनी मिलिंग बहुत फास्ट हो गई है, करीब 37% हो गई है और करीब करीब जहाँ पर जो उत्पादन हुआ है अपनी उसमें से करीब करीब आधे से ज़्यादा के अनुबंध हो गए हैं,